जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, एक वापस से नई वीडियो में स्वागत है। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में। जी हाँ, मैं हूँ बागेश्वर धाम में। और आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से गुरुजी अचानक औधशालय का जो एक मकान बना हुआ, यानी औधशाला है जो, वहाँ अचानक मुझे खिड़की पर गुरु जी दिख गए। तो 4-5 दिनों में मैंने गुरु जी के प्रतिदिन 3-4 बार दिव्य दर्शन किए। भाई साहब, इतना मतलब दिल खुश हो गया उनके दर्शन करके। और इस वीडियो में आप लोग देखेंगे किस प्रकार से जो है गुरुजी अपना दिव्य दर्शन देते हैं खिड़की के पास आके, और तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे आप लोग। जैसे कि आप लोग ये भी देखेंगे कि अर्जी वगैरह कैसे लगती है। गुरुजी बताते हैं इस वीडियो में। माइक के थ्रू मैं गुरुजी तक नहीं पहुँच पाया था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मैं काफ़ी दूर से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। तो आप लोग माइक के थ्रू यानी कि साउंड के थ्रू आप सुन सकते हैं। तो ठीक है गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मुसाफिर अनुराग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा आप। तो भाई साहब, अभी दिखाते हैं आप लोगों को किस प्रकार से भीड़ है भाई, और गुरु जी इधर आए हुए हैं शायद। ये देखिए भाई, भीड़ देखिए, इधर लोग रुक गए हैं दर्शन के लिए अभी। वाह, खतरनाक वाला व्यू दिखता है भाई। बता दें गाइस आप लोगों को, ये वाली बिल्डिंग है ना जो, ये औधशाला है। अरे महाराज जी यहीं से दिख रहे हैं यार। देखिए भाई साहब, ये गुरु जी देखिए यहाँ खड़े हैं। अब यहाँ भी भीड़ बढ़ा देंगे यार। जंगले के पास खड़े हैं देखिए ये महाराज जी। एक जगह पर, एक स्थान पर 7 लाख हनुमान चालीसा का पाठ जहाँ होता है, वहां हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से कृपा करते हैं। कितने लाख का? 7 लाख। और ये यज्ञ सनातन धर्म की उन्नति के लिए, और जितने भी भक्त बागेश्वर धाम पर आते हैं, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जितने भी भक्त बागेश्वर धाम पर आते हैं, मिल नहीं पाते, परचा नहीं बन पाता, बात नहीं हो पाती, बताइए ये क्यों हो रहा है? जितने भी भक्त यहाँ आते हैं, वो खाली हाथ ना जाए, बिना पर्चा बने ही बालाजी की कृपा हो जाए, इसलिए इतनी बड़ी यज्ञ करवाई जा रही है। पर्चा तो उनके लिए देखना है, चमत्कार देखना है, जिन्हें भरोसा नहीं है कि भगवान होते, लेकिन प्रशक्तियां होती कहीं उनकी पत्नी, उनके लिए पर्चा है। जो भक्त है वो तो नारियल बांध में परिक्रमा लगा ले, लहसुन प्याज मांसमरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दो, जाओ पर्चा बने या ना बने, बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाए। दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अच्छा सुनो, हम तुम्हारा नाम बता दें, तुम्हारे बाप का नाम बता दें, खानदान का नाम बता दो, 6 पर्चा बना दो, मन की बातें बता दो, पर काम सफल ना हो तो क्या पर्चा बनाना किसी मतलब का है? जोर से बोलिए। हम जब भी कोई यज्ञ करते हैं या बालाजी के चरणों में बैठते हैं तो कहते हैं, हे बालाजी, किसी का पर्चा बने या ना बने, किसी की चर्चा हो पावे या ना हो पावे, किसी से हम मिल पाए या ना मिल पाए, पर जो आपके चरणों में आ रहे वो खाली हाथ न जावे, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। ऐसी प्रत्यक्ष महिमा बागेश्वर बालाजी की है कि हर महीना मंगलवार शनिवार लाखों लोग आते हैं, खाली हाथ आते हैं, यहाँ से छोड़ी भर कर लेकर जाते हैं, रोते हुए आते हैं बालाजी के चरणों से, हंसते हुए जाते हैं। आप भी बालाजी के चरणों से हंसते हुए जाएंगे, जाओ आशीर्वाद है।